नमस्ते नमस्ते। तो ये क्या देख रही हूँ मैं, बिहार का स्वाद है, दिल्ली ले आए हो, क्या खिला रहे हो? लिट्टी चोखा। बिहार का ही स्वाद मिलेगा यहाँ पे? हाँ हाँ, बिहार का स्वाद मिलेगा। मक्खन के साथ खिलाते हैं, 40 रुपए प्लेट है। घी के साथ है, 50 रुपए प्लेट है। तो उसमें कितनी लिट्टी आती है? दो लिट्टी आते हैं। देख पा रही हूँ कि आप कोयले में बना रहे हैं, तो कोयले में पकाने का क्या मतलब है लिट्टी को? यहाँ सिस्टम है कोयले को बनाने के लिए ना, इसीलिए कोयले को बनाते हैं। चटनियाँ कौन कौन से डालते हैं, मैं देख रही हूँ? एक ग्रीन चटनी है, एक धनिया, एक मस्टर्ड चटनी है, एक लाल मिर्ची टमाटर की चटनी है। ये चोखा है बिहार वाला। इसमें क्या क्या पड़ता है? इसमें आलू, बैंगन, टमाटर मिलते हैं। और टमाटर? टमाटर। तो मतलब इसमें बैंगन भी जाता है? हाँ बैंगन भी जाता है। देखिए ये मक्खन है। तो कौन सा बटर इस्तेमाल करते हो? न्यूट्रोलाइट का। अच्छा, और ये देसी घी अपना बिहार का है। तो ये प्योर देसी घी? प्योर देसी घी है, बिहार का। 100% आटा होता है, 100% आटे ही होता है। ये देखो आटे में इस तरीके से लोई को यहाँ पे हाथ चलने का स्टाइल देख लो आपकी, जब बिहार का जो स्वाद है ना, अब आपको दिल्ली में मिलेगा। और ये देखो किस तरीके से जो लिट्टी है वो बनाई जा रही है, और जो चने का सत्तू है, राइट, चने का सत्तू, अच्छा उसको भरा जा रहा है। और ये देखो ये लिट्टियाँ है वो यहाँ पे तैयार हो रही है, और यहाँ पे कोयले की आंच में यहाँ पे सेकी। तो ये देखो लिट्टियाँ है वो पलटी जा रही है इस तरीके से, और यहाँ पे जो कुछ लिट्टियाँ वो सिक भी चुकी है बढ़िया तरीके से, और जो ये लिट्टियाँ है, जो सिकी हुई लिट्टियाँ है वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। एक लिट्टी सिकने में कितना टाइम लगता है? एक लिट्टी सिकने में 10 मिनट लगते हैं। तो अब हमारी यहाँ पे प्लेटिंग होने के लिए जा रही है, तो सबसे पहले प्लेट आ गई है, और अब इसमें चोखा रखा जाएगा। तो ये देखो आप, ये चोखा रख दिया है, और दिखने में तो वाकई में बहुत लाजवाब लग रहा है। चटनियाँ कौन कौन सी डाल रहे हो आप? ये धनिया पुदीना का। तीन तरीके की चटनी जाती है, ये सरसों नारियल का, ये लाल मिर्ची टमाटर की चटनी है। अरे गजब। और इसमें ऊपर क्या जाएगा? प्याज, नींबू। अच्छा चलिए, इसमें प्याज, और अब इसमें स्प्रिंकल हो रहा है नींबू। गर्मा गर्म लिट्टियाँ है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी, और मैंने जैसे देसी घी में बनवा दी, तो ये जा रही है अब देसी घी में डिप होने। अरे वाह, तो बढ़िया तरीके से देसी घी में हो चुकी है डिप, और अब ये निकाली जा रही है। ओ हो हो, और ये रख दी है हमारे प्लेट में। तो ये दो लिट्टियाँ मिलेंगी, और इसकी प्राइसिंग क्या रहती है भैया? इसका प्राइस रहता है 50 रुपए का। 50 रुपए का। तो ये तैयार है? तैयार हो गया। तो ये देखो आपकी जो लिट्टी चोखा की जो प्लेट है वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है, जो बिहार का स्वाद है अब दिल्ली आ गया है। तो चलिए इसको मैं टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ मुझे कैसी लगी है। तो सर मैं देख पा रही हूँ कि आप लिट्टी चोखा एंजॉय कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? हाँ लिट्टी चोखा बहुत बढ़िया है, लाजवाब है। नहीं हम बिहार से नहीं है, हम रीवा से हैं, रीवा मध्य प्रदेश से। लिट्टी चोखा का जो टेस्ट है बहुत लाजवाब है, इसीलिए हम तो वीकेंड में आते हैं यहाँ पे खाने के लिए। घी और बटर दोनों हमको पसंद है, कभी कभी हम घी खा लेते हैं, कभी कभी बटर खा लेते हैं, करते ही हैं। और हमारे जो रूममेट भी है वो भी आते हैं, जो मेरे कलीग है वो भी आते हैं यहाँ पे खाने के लिए। सो फाइनली मयूर विहार की सैर करते हुए बिहार का लिट्टी चोखा मैंने आपके लिए ढूंढ लिया है, जो इतने 100 किलोमीटर दूर चल के जो स्वाद है ना, वो जो जायका है, वो मयूर विहार दिल्ली आ गया है। तो मैंने जब यहाँ पे मैं निकल रही थी, तो मेरे को जो खुशबू आ रही थी ना लिट्टी की, कोयले की, और जो इतना ज्यादा लोगों की मैंने जब भीड़ देखी कि इतने ज्यादा लोग दीवाने हैं और इतने ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं इनका लिट्टी चोखा, तो मैंने कहा व्हाई नॉट कि मुझे भी रुक के यहाँ पे इनका लिट्टी चोखा जरूर ट्राई करना चाहिए, कि वाकई में स्वाद में दमदार तो होगा ही। मैंने जब यहाँ पे लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि वाकई में बिहार का ट्रेडिशनल स्वाद है, बट इन्होंने एक डिफरेंस मेरे को बताया कि जो बिहार में तो कंडे पे बनती है लिट्टी, लेकिन यहाँ पे कोयले में बना रहे, लेकिन फिर भी जो स्वाद है वो उसको मेंटेन करते हुए। तो चलिए मैं भी जल्दी से यहाँ पे इनकी लिट्टी चोखा है वो ट्राई करती हूँ, और मैं बताती हूँ कि मुझे पर्सनली लिट्टी चोखा कैसा लगा। मैं कंपैरिजन तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं अब तक बिहार नहीं गई हूँ, तो मुझे नहीं पता कि बिहार में कैसे बनता है लिट्टी चोखा, लेकिन मैं ये आपको जो स्वाद है जो दिल्ली में, मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि पर्सनली मुझे कैसा लगा। लिट्टी की जो फिलिंग है वो देखो, जो सत्तू की फिलिंग कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। आपने वीडियो में देखा होगा कि देसी घी में पूरी डिप कर दी थी ये लिट्टी, और चोखा देखो आप, इसमें तीन तरीके की तो चटनी डाली हुई है। तो चलिए मैं जो चोखे के साथ लिट्टी को मैं टेस्ट कर लेती हूँ, और बहुत ही ज्यादा सरसों की चटनी भी दिख रही है मेरे को उसके साथ। तो चलिए इस बाइट को मैं टेस्ट कर लेती हूँ। मैंने फर्स्ट बाइट टेस्ट करी है, तो उसमें सबसे मेन जो फ्लेवर आया है वो देसी घी का आया है। देसी घी की जो खुशबू और जो मतलब स्वाद आया ना, बहुत ही गजब आया है। लिट्टी ऊपर से अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है, क्रिस्पीनेस है लिट्टी में, और जो चोखा है उसमें लहसुन का, कहते हैं ना कई कई जगह बहुत ज्यादा लहसुन का चोखा मिलता है, लेकिन ये इतना ज्यादा लहसुन का नहीं है, मतलब मीडियम जो उन्होंने बैलेंस बना रखा है लहसुन के फ्लेवर को। लोगों को खाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? मयूर विहार फेस वन आना पड़ेगा। और टाइमिंग क्या है आपकी? टाइमिंग है 1 बजे से लेकर 10 बजे रात तक। और मोबाइल नंबर क्या है आपका? मोबाइल नंबर यहाँ लिखा हुआ है। ट्राई करते हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इनका लिट्टी चोखा कैसा लगा।
तो अगर आप फूड मेरी दिल्ली में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए और बढ़िया बढ़िया फूड्स आपको दिखाने के लिए। तो दिल्ली है दिल वालों की और फूड मेरे दिल्ली है खाने वालों की। तो जल्दी से मैं यहाँ पे बिहार का मशहूर लिट्टी चोखा को यहाँ फिनिश करूँगी और मिलूंगी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।